अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मरियम कौसर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लेट्स कनेक्ट। हम हाजिर हैं आपके साथ इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज और आरजी ग्रुप की जानिब से एक प्रॉपर्टी इंफॉर्मेटिव शो, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ डोमेन के लोगों से। और जैसे कि कनेक्ट 2.0 भी लॉन्च हो चुका है, आईटी सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर स्पेशली जो प्रमोट हो रहा है वो फ्रीलांसर्स के थ्रू हो रहा है। फ्रीलांसर्स पे एक बहुत बड़ा काम हो रहा है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और ऐसी चीज़ों के लिए एसोसिएशंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है, ताकि सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला के जमा किया जा सके और उनके लिए काम किया जा सके। ऐसी एक एसोसिएशन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के CEO तुफैल अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग हैं वो इस एसोसिएशन को जानते हैं। आप माशाल्लाह बीइंग यंग CEO बड़ा इसमें काम कर रहे हैं, बड़ा इसको प्रमोट भी करें। व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं, मैं उनके लिए जानना चाहूंगी कि क्या काम कर रहा है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, स्पेशली फ्रीलांसर्स कम्युनिटी को आपने अब तक क्या सर्व किया है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 मिलियन 35 लाख फ्रीलांसर्स हैं। ये 35 लाख फ्रीलांसर्स ना हमारी एसोसिएशन के पास है, ना इस वक्त गवर्नमेंट के पास है, ना किसी एक इदारे के पास है, ना किसी एक यूट्यूबर के पास है। तो हम पहला काम तो ये कर रहे हैं, इन 35 लाख और ये जो बढ़ते जा रहे हैं इन फ्रीलांसर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हर एसोसिएशन हर फील्ड की, चाहे वो मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान हो, चाहे वो सेल्स की एसोसिएशन हो, चाहे वो मीडिया की कोई एसोसिएशन हो, उनका पहला काम ये होता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देना, उनको मॉनिटर करना, उनको नेटवर्किंग कराना, उनकी मेंटोरशिप करना। तो उसी तरह से हमारा सबसे पहला काम ये है कि जो हमने स्टार्ट कर दिया है कि जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे गांव देहात हो, इन सबको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देना, इनके लिए इवेंट्स करवाना, ताकि एक जगह पर आए, अपने इश्यूज को रेस करें और हम उन इश्यूज को सॉल्व करें, जो कि हम बहुत सारे कर भी रहे हैं। तो ये पाकिस्तान फ्रीलांसर्स का पहला काम है। दूसरा काम ये कि पाकिस्तान की आबादी तो बहुत है, सिर्फ 3.5 मिलियन फ्रीलांसर्स है ना, 35 लाख। तो जो 35 लाख के अलावा लोग हैं, उनको तो फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कल मैंने अखबार का जो आर्टिकल लिखा था द नेशन में, तो मैंने उसमें यही जिक्र किया था कि अगर हम ये डबल कर दें तो आप सोचें हमारे डॉलर्स कितने डबल आना शुरू हो जाएंगे मुल्क में। तो और वो जो स्पेशली बात हो रही है कि करेंसी डाउन जा रही है और पाकिस्तान में पैसा नहीं आ रहा, तो वो इस थ्रू आ सकता है। बिल्कुल, देखिए जो मैं फेसबुक जब देखता हूँ या व्हाट्सएप, तो जो फ्रीलांसर्स हैं वो तो जब डॉलर बढ़ रहा है तो वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम तो आ रही है डॉलर में, और बट कारोबारी हजरात और बहुत सारे लोग जो इम्पोर्टर्स हैं एक्सपोर्टर्स हैं वो परेशान हैं डॉलर्स की वजह से। तो मेरे ख्याल से जो आबादी, जो यूथ है हमारी, जो वुमेन है, जो घर बैठ के काम करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग से अच्छी अपॉर्चुनिटी तो कोई नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो एसोसिएशन है और आप खुद भी, क्या आप लोग ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं या अभी फिलहाल उनकी मोटिवेशन पे काम हो रहा है? क्योंकि बड़ी अच्छी एक बात आपने अभी कही भी थी, जब हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, कि ट्रेनर तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है लेकिन जो ट्रेनीज हैं उनका कुछ नहीं होता, तो आप लोग बेसिक किस चीज पे काम कर रहे हैं? देखिए, अभी यही हालात है कि अब फ्रीलांसिंग क्योंकि एक बज वर्ड है, तो हर बंदा फ्रीलांसिंग पढ़ा रहा है और हर बच्चा हर यूथ फ्रीलांसिंग पढ़ रहा है, लेकिन काम बहुत कम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत कम लोग अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा मोटिव ट्रेनिंग अभी नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत लोग करा रहे हैं। हमारा ये है कि आप काउंसलिंग करें कि फ्रीलांसिंग करनी किस चीज में है। आप पहले स्किल्स तो आइडेंटिफाई करें, हाँ, जो आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप ये, जब आपने स्किल्स आइडेंटिफाई कर ली तो यूट्यूब पढ़ा हुआ है, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो कि फ्री में वीडियोस फेसबुक पर डाल रहे हैं रोजाना, हम उनको सुने, नोटिंग्स करें, समझें, और फिर हमारी स्किल जब एक लेवल तक आ जाती है, हम अपना अकाउंट बनाएं फाइवर पे, अपवर्क पे, और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें, और फिर नेक्स्ट स्टेप ऑनलाइन आप क्लाइंट्स को हंट करना शुरू करते हैं डायरेक्टली US मार्केट में, UK मार्केट में और दूसरी मार्केट में। बट अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग कुछ कर नहीं रहे, कुछ अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही, अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, अब जो मेरा सवाल है ये बड़ा बेसिक सा हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं और ऐसे तमाम लोग जिनको टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती, उनके लिए ये बड़ा नॉलेजेबल होगा। बड़ी कंफ्यूजन है, फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, ये क्या चीज है और स्पेशली फ्रीलांसर का क्या मकसद है? आम लोग तो फ्री जैसे अभी आपने बात की, फ्री वीडियोज भी डाल रहे होते हैं, तो ये क्या चीज है कि लोगों को ये टर्मिनोलॉजी समझाया? ये पहले तो अब फ्रीलांसर का वर्ड जो है ना, पहले लोग ये समझते थे कि फ्री काम करते हैं। हाँ, तो अभी वहाँ पे हमने जब चैनल पे लाइव थे तो हम वहाँ पे बात कर रहे थे, फ्रीलांसर का जो वर्ड है, लांसर जो है ना, ये बहुत पहले आर्मी के अंदर जो है लांसर, जो नाइक होता है, लांसर जो होता है
वो कहीं पे भी जाता था, कुछ भी करता था, तो वो किसी किसी के साथ भी जुड़ जाता था और वो फ्री होता था, तो उसको कोई भी हायर कर लेता था, तो इसीलिए वो फ्री, वो बाउंड नहीं होता था, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता था। तो वहां से ये वर्ड निकला था फ्री लांसर का। लांसर एक सेपरेट वर्ड था जो कि मिलिट्री से आया था, ठीक है, तो इसीलिए लांसर उसका वर्ड है, तो इसको मिला दिया आज गया। के दौर में ये फ्रीलांसर क्या करते हैं? जो आज के दौर में जो फ्रीलांसर है वो इंडिविजुअली अकेले बैठ के अपना बॉस खुद होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो किसी एक का एम्प्लॉय नहीं होता और वो पूरी दुनिया में बैठ के ऑनलाइन काम करता है, उसकी जर्नी होती है। सॉरी आपको मैं यहाँ रोकूंगी, फ्रीलांसर के लिए ऑनलाइन काम करना ही जरूरी है? नहीं देखिए, वैसे बाय डेफिनेशन एक फोटोग्राफर भी फ्रीलांसर है। ओके। करीम का कैप्टन भी फ्रीलांसर है। ओके, क्योंकि वो करीम के साथ भी नहीं होता, वो उबर के साथ भी होता है, वो इनड्राइव में भी होता है, वो प्राइवेटली भी गाड़ी चलाता है, तो वो भी है, बट वो आईटी इनेबल्ड होता है क्योंकि उसके पास एक ऐप होती है, बट फोटोग्राफर के पास ऐप नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजिकल बट यूज कर रहा है। फोटोग्राफर भी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो कभी शादी में जाता है, कभी किसी इवेंट में जाता है, ऐसे ही है। वो भी फ्रीलांसर है। सही। एक हाउस मेड भी फ्रीलांसर होती है, वो हर घर में काम करती है। तो फ्रीलांसर तो ये सारे हैं, हम भी हैं, होस्ट भी फ्रीलांसर होते हैं, तो होस्ट जो है ना यहाँ पे होस्टिंग करते हैं, दूसरी जगह होस्टिंग करते हैं। तो अब फ्रीलांसर की जो जर्नी का आपने सवाल किया था वो ये है कि फ्रीलांसर का पहला स्टेप क्या है कि वो खुद एस्टेब्लिश होके एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो काम स्टार्ट करता है, उसके बाद से वो माइक्रो एजेंसी या स्टार्टअप बनाता है, फिर तो उसके बाद से वो एंटरप्रेन्योरशिप और एक ग्लोबल कंपनी की तरफ जाता है, या कंपनी पहले पाकिस्तान में SECP में रजिस्टर कराता है, या फिर ग्लोबल कंपनी US UK में कंपनी रजिस्टर कराता है। ये इसकी जर्नी होती है जो लोगों को नहीं पता। लोग या तो सिर्फ फ्रीलांसर रहते हैं, या तो वो दो तीन लोगों को लेके कंपनी बनाते हैं, फिर उसमें उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, दोबारा फ्रीलांसर बन जाते हैं। ओके, सही। अच्छा मुझे ये बताएं, सिंस आवर शो इज आल्सो अ प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेटिव शो, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से तेजी से रैपिडली डिजिटलाइजेशन आ रही है, सारी चीजें फिजिकली डिजिटल पे जाके जा रही है, तो क्या फ्रीलांसर्स कम्युनिटी रियल एस्टेट पर भी आएगी, या प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है ये एज अ फ्रीलांसर्स भी लोग करना शुरू करेंगे, ये आपको क्या मॉडल नजर आता है? देखिए अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम हमारी एसोसिएशन पे काम कर रही है। अच्छा। कि जो फ्रीलांसर $20,000 कमा रहे हैं, $30,000 कमा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में जब लाएंगे तो उसका क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, वो सिर्फ स्पेंड तो नहीं कर सकते, ऐसे ही है, तो पहला बैंक में भी नहीं रख सकते, वो डीवैल्यू हो जाता है। तो पहला तो ये कि वो जो पाकिस्तान में डॉलर्स ला रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो पहला स्टेप तो ये वो अपने ऊपर खर्च करें, अपनी इम्प्रूवमेंट करें, कोई कोर्सेज करें ऑनलाइन। दूसरा ये कि वो इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में करें, वो म्यूचुअल फंड्स में करें, प्रॉपर्टीज में करें, और उनकी नो हाउ हम उनको प्रोवाइड करें थ्रू आवर पार्टनर्स, कि उनको प्रॉपर्टी स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे उनको क्या फायदा होगा। सही। अच्छा देखिए आपके पास तो माशाल्लाह पूरी क्योंकि आप खुद भी फ्रीलांसर एसोसिएशन आप चला रहे हैं, माशाल्लाह CEO हैं, तो पूरी दुनिया का एक एक्सपीरियंस आपके पास है। आप क्या समझते हैं कि क्या वाहिद प्रॉपर्टी एक ऐसा सरमाया है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं, या अभी आपने म्यूचुअल फंड्स की भी बात की है, आइडियलिस्टिक टू डी वैल्यू ऑफ मनी इस पे अगर हम करके बात करें, इस पे फोकस करते हुए, तो क्या प्रॉपर्टी अच्छी इन्वेस्टमेंट देती है रिटर्न बैक, पूरी दुनिया के हवाले से भी अगर हम बात करें, नॉट ओनली पाकिस्तान? पाकिस्तान में तो स्काई रॉकेटिंग वो है, इंडस्ट्री है रियल एस्टेट, और ये बिल्कुल आपके हाथ से जा रही है, फ्रीलांसर्स के हाथ में आ रही है। अच्छा। कि जो है अगर कोई बहुत सालों पहले करोड़पति था तो फ्रीलांसर उसको बीट कर सकता है। वाओ। लेकिन क्योंकि वो डॉलर्स में कमा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बीट कर सकता है $40,000 $30,000 एक साथ किसी प्रोजेक्ट को उठा के, और फिर उसके बाद से उसको कंसिस्टेंटली। बट अगर कोई एम्प्लॉय 5 लाख भी तनख्वाह कमा रहा है महीने के, 6 लाख 10 लाख पे भी है, तो शायद किसी करोड़पति पति को बीट ना कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसकी इनकम वहीं तक महदूद है, और उसकी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सबसे पहली है, जहाँ पे उसको कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ ये फिजिबिलिटी देखनी है कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट किस जगह पर है। और इसके भी इतने कंसल्टेंट्स मौजूद है यहाँ पे, इतने इदारे मौजूद है जो कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट पे आपको गाइडेंस देते हैं, तो दैट विल बी अ लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रीलांसर्स ऑफ फॉर द फ्रीलांसर्स आल्सो। अच्छा बात करने को की जाए तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जब आप किसी भी ऐसी नई टर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, या एक बहुत आइकॉनिक जिसको हम कहते हैं रैपिडली फैल रहा है, तो वो फ्रीलांसर ही है, उसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, जब एसोसिएशन के खुद CEO यहाँ बैठे हो, लेकिन वक्त की हमारे पास किल्लत है तो इतनी बात तो नहीं कर सकेंगे। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी स्पेशली यूथ को, और उन लोगों को जिनको कुछ पता नहीं होता, वो बस उन्होंने सुना देखा और बस उसके पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी? अच्छा मेरा क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना पर्सनल ब्रांडिंग है, और मैं पूरी दुनिया में पर्सनल ब्रांडिंग की कोचिंग करता हूँ,
तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर इंसान, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो होस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, किसी भी पेशे से उसका ताल्लुक हो, फाइनेंस के पेशे से ही क्यों ना ताल्लुक हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसको अपना ब्रांड जरूर बनाना चाहिए। सही। क्योंकि हम सब अपने ड्रेसिंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा सोचते हैं कौन सा ब्रांड पहनना है, कौन सा ब्रांड खाना है, कौन से ब्रांड में जाना है, ऐसे ही है। लेकिन हम कभी अपने ब्रांड के बारे में नहीं सोचते कि हमें अपने ब्रांड पे कितना टाइम देना है, अपने ब्रांड की विजिबिलिटी कितनी रखनी है, किस चैनल पे रखनी है। और आप 90% लोगों को देखेंगे कि वो कभी भी अपने ब्रांड पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाते। बिल्कुल। उनकी कंपनीज का बना हुआ होगा ब्रांड प्लान, और वो जहाँ अपना जो है ना, उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसे तो जो लोग अपना ब्रांड नहीं बनाते तो वो कंपनी के भी ब्रांड को अपलिफ्ट नहीं कर पाते, चाहे वो एक फोटोग्राफर क्यों ना हो। अगर एक फोटोग्राफर जो है वो अपना ब्रांड नहीं बनाता तो उसको बिजनेस नहीं मिलता, उसको कोई जानता नहीं है। लेकिन एक फोटोग्राफर अगर उसकी क्वालिटी भले ही बुरी हो, लेकिन उसका ब्रांड बना हुआ है, उसको सब जानते हैं, सब बुलाते हैं। तो योर मैसेज ऑफ द शो इज कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम, पर्सनल ब्रांडिंग जरूर बनाएं और उसके लिए अपने टाइम निकालें, वो कोई और नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, वो कोई और नहीं करेगा, आपको खुद के लिए खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। और यू आर सच इंस्पिरेशन माशाल्लाह। तो फैल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शो, और लेट्स कनेक्ट के साथ आप भी कनेक्ट कीजिए। इसी तरीके के मजीद लोगों से आपको भी मिलवाते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।